सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सूक्ष्म और इस ग्रंथादि राज का हृदय बताने वाली ये गाथा है। क्यों है कि इस गाथा में आत्मा जो शुद्ध त्रिकाली द्रव, उस आत्मा के सिवा जो कुछ भी है वो सबको यहाँ पर व्यवहार नय में डालकर सबको अभूतार्थ, असत्यार्थ और हे बताया। माने परद्रव्य, धन संयोग आदि ये तो बहुत दूर की बात, शरीर कर्म वो भी दूर की बात, राग द्वेष ये भी दूर की बात, ये आत्मा में को समझने के लिए ये जो वृत्ति उठी कि आत्मा कैसा है कि दर्शन ज्ञान वाला है, इस शुद्ध आत्मा में ये भेद भी नहीं है, ये इतना सर्व व्यवहार उसको हटाकर एक शुद्ध आत्मा का दर्शन कराया। ऐसी ये गाथा है जिसको जो सीधा कहे तो सम्यक दर्शन कैसे उठाया तो है ज्ञान से, क्योंकि नए ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान में क्या चीज है, क्योंकि शुद्ध ने कहा ना, शुद्ध ने तीन होते हैं, शुद्ध ने तीन, तुम्हें निशान ध्यान से सुनना, शुद्ध ने तीन, अभी यही सुना है, शुद्ध ने माने त्रिकाली दुरात्मा, शुद्ध ने माने भाव श्रुत ज्ञान की वो पर्याय जो शुद्ध आत्मा को, बल्कि ये कहो कि जो भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय उस आत्मा को शुद्ध जानती है उसका नाम शुद्ध नय है। जितेंद्र जी दोबारा बोलता हूं, भाव शुद्ध ज्ञान की वो पर्याय, बल्कि भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय का वो अंश, भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय का वो अंश जो आत्मा को शुद्ध जानता है, शुद्ध आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को शुद्ध जानता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा कहोगे तो उसमें भी भेद रहेगा, शुद्ध आत्मा तो आत्मा अलग के ना शुद्ध अलग के, तो आत्मा को शुद्ध अब कोई भेद नहीं, तो आत्मा को शुद्ध जानता है, इसका नाम वो भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय वो शुद्ध नय है, और दूसरा शुद्ध नय है वो ज्ञान की पर्याय जिसको जानती है, ऐसा त्रिकाली शुद्ध द्रव्य वो भी शुद्ध नय है। शुद्ध नय के विषय को शुद्ध नय कहते हैं, दो बात हुई। तीसरा, उस शुद्ध नय जो आत्मा जानने में आया, तो जानने में आने पर उसका जो फल आया केवल ज्ञान आदि, उनको भी शुद्ध नय कहते हैं। ऐसे शुद्ध नय तीन है, नहीं आया समझ में अभी? जितेंद्र जी क्या यही उपयोग रखो, दौड़ाओ मत इसको, है? क्योंकि शुद्ध नय ज्ञान है। इस गाथा में श्रद्धा का विषय तो लिया है, पर नए को गौण करके, नए के विषय को गौण भी नहीं कहा, नए के विषय है ही नहीं, ये कहा है इसमें, अभूतार्थ असत्यार्थ कहा कि नहीं, अभूतार्थ जो ऊंची गाथा है, देखो जिस दृष्टि से ये बात अमृतचंद्र आचार्य कहना चाहते हैं उसी दृष्टि से समझे तो इस गाथा का मर्म ख्याल में आएगा। दोबारा बोलूं, तीन शुद्ध नए, भाव, पदम जी ध्यान से सुनना, भाव शुद्ध ज्ञान, तो जो इंद्रिय ज्ञान है वो तो आत्मा को जानता ही नहीं, उसको तो ज्ञान ही नहीं कहते, भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय का वो अंश जो आत्मा को शुद्ध जानता है, तो उस ज्ञान की पर्याय को शुद्ध न कहते। और वास्तव में नए तो ज्ञान ही है, नए तो ज्ञान ही है, तो एक तो शुद्ध न पहला ये हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो आत्मा को शुद्ध जानती,
दूसरा शुद्ध नय का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है उस द्रव्य को भी शुद्ध नय कहते हैं, द्रव्य को शुद्ध नय कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वो शुद्ध नय का विषय है तो उस विषय को भी शुद्ध नय कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, वो शुद्ध नय वो जाना गया, ये आत्मा जाना गया, ज्ञान की पर्याय के द्वारा आत्मा जाना गया, उसका फल क्या आया? जो फल केवल ज्ञान आदि है उसको भी शुद्ध नय कहते। कहाँ कहते शुद्ध? वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है कि नहीं है? केवल ज्ञान वाला अभी उसकी बात करेंगे, अभी अभी नहीं की है। यही तो चार व्यवहार की बात की थी, उसमें भी अभी चौथे में एक बात बाकी रखी थी, आज करेंगे उसकी। याद है चौथे वाले में क्या कहा था कि निर्मल पर्याय को आत्मा कहना, जिसका नाम अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। परंतु आज उसमें एक ज्ञान जो उस आत्मा को जानता है, और सातवीं गाथा में कहा कि ये ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, ऐसा उस अभेद में भेद करके जानता है, अभेद में भेद करके जानता है। तो ये भेद का जो विकल्प है, भेद आत्मा में जो गुण है उनका भेद, उसको भी क्या कहते हैं? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। ऐसे समझ में तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय दो दो विषय हो गए इसे, एक तो निर्मल पर्याय और एक ए भेद करके, अभेद में भेद करना। वो पर्याय भेद नहीं गुण भेद, पर्याय भेद नहीं गुण भेद, पजमदी गुण भेद करना। अब आपको ख्याल होगा प्रवचन सार तो अपने चल चुका है, जो 172 गाथा के जो 20 अलिंग्रहण के बोल हैं उनमें 18 और 19, 18 में गुण भेद और 20वें में पर्याय भेद है ना, क्रम उल्टा कर दिया है वहां। यहां पर छठी गाथा में पर्याय भेद, पहले पर्याय भेद फिर सातवीं में गुण भेद, वहां 18वीं में पहले गुण भेद और 19वीं में पर्याय भेद। क्यों? क्योंकि 20वें में क्या कहना है कि निर्मल अनुभूति ही आत्मा है, निर्मल अनुभूति ये आत्मा है, ये कहना पर्याय आत्मा है, ये कहना है, वो अपेक्षा बात है। अभी तो ये 18 और 19 की बात है, ये ऐसे समझ में। ऐसे दो बोलियां वो क्रम उल्टा लिया, यहां छठी सातवें का, वहां सातवीं का विषय पहले लिया। गुणभेद के, गुणभेद आत्मा में नहीं है, गुणभेद से आत्मा नहीं जाना जाता है। ऐसी पर्याय भेद ये आत्मा में नहीं है, वो पर्याय भेद लिंग है और लिंग से आत्मा अलिंग ग्रहण है। बताओ जैन धर्म समझना है तो बहुत उपयोग की सूक्ष्मता, समर्पण और एक सूत्री कार्यक्रम। कमल जी दो सूत्री नहीं चलेगा कि ये भी और ये भी, एक सूत्री बस के इस, ये समझना है बस। तो ऐसे शुद्ध नय, क्यों इसमें विषय है ना शुद्ध नय उतार्थ है, तो वो शुद्ध नय क्या है? अब ये जगह जगह आएंगे, पर आपको समझना पड़ेगा कि शुद्ध नय तीन कहे थे, पर यहां कौन सा नय है, इन तीन में से कौन सा नय है शुद्ध नय? कि यहां तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध नय ये नहीं है बात, दूसरा अर्थ ही यहां उपादेय है। कौन सा? कि शुद्ध नय का विषय शुद्ध आत्मा, यही शुद्ध नय है। ऐसे समझना सुराना जी, समझ में आ रहा है? देखो कल अपन ने इस गाथा में ये उदाहरण शुरू किया था, मैं दो लाइन इसकी पढ़ता हूं फिर अपन जहां छोड़ा था वहां आएंगे। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव त्रोभूत, निर्मल भाव माने जल का निर्मल स्वच्छ स्वभाव, एक त्रोभूत माने ढक जाता है, ढक जाता है इसका अर्थ के दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता का अर्थ है कि देखता नहीं है, दिखाई नहीं देता का अर्थ क्या है? देखता नहीं है।
क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी ये लौकिक अज्ञानी है, लौकिक मूर्ख है ये, और तिरोभात आच्छेदित हो गया। ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ के विवेक न करने वाले, देखो जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। कैसा है पानी, कैसा है कि गंदा है पानी, कैसा है कि कीचड़ वाला है, ऐसा हम अनुभवते हैं। बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल, यहां से छोड़ा था, अपने हाथ से डाले कतक फल माने, कतक फल में नीचे दिया है, कतक फल माने निर्मली, एक औषधि जिससे कीचड़ नीचे बैठ जाता है, अपनी औषधि अपन यहां पर लेंगे फिटकरी, फिटकरी लो और जो आपको समझ में आए बोलो, फिटकरी लो, वो जो है कतक फल है। अभी कतक फल का अर्थ किया है, सिद्धांत में कतक फल का अर्थ दूसरा है, समझ में, जो सिद्धांत बताएंगे ना उसमें उसका अर्थ दूसरा है। देखो किंतु कितने ही अपने हाथ से, ये कितने ही माने कौन, लौकिक ज्ञानी, लौकिक होशियार, पहले लौकिक मूर्ख का जो कीचड़ के संयोग से जल देख के कीचड़ और जल को ही मैला समझता है, वो लौकिक मूर्ख है, ये लौकिक चतुर है, चतुर है ये। देखो कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल और कादव के विवेकता से, देखो कैसा विवेक है ये कि जल और कीचड़ ये अलग है, क्यों कि उसके जब उसने जल को कीचड़ से युक्त देखा तब उसकी दृष्टि में जल शुद्ध था, तो दिख तो मैला रहा था, दिख कैसा रहा था, एक कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा है ना गंदा हो जाता है, तो आप जब गंदा है तब भी जो धोने वाला है उसकी दृष्टि में अगर वस्त्र स्वच्छ न हो तो तीन काल में साबुन लगाएगा नहीं, समझ में आया कि दिख तो मैला रहा है पर साबुन लगाने वाले से पूछो कि ये मैला है कि स्वच्छ है, कि ये स्वच्छ है, तो दिख तो मैला रहा है, दिख रहा है वो मैल है वस्त्र नहीं है, मैला कौन दिख रहा है अशोक, मैला कौन दिख रहा है, कपड़ा मैला दिख रहा है, तो अगर कपड़ा मैला है तो साबुन क्यों लगाया, पर उसको ये प्रोसेस मालूम है कि ये अलग है तो अलग कैसे किया जाता है, इसका नाम साबुन लगाना है, अलग होए नहीं। अब कोई ये कहे कि आप ये पीला वस्त्र है बाजार से कैसे लाए थे पीला, अब बोलो उस पीले को सफेद करने के लिए आप रंग लगाओ वो साबुन लगाओगे क्या, नहीं लगाओ, क्यों, आपको मालूम है कि ये तो स्वभाव से ही पीला है उसके लिए नहीं लगाओगे साबुन, परंतु मैला है तो मैला अलग चीज है और उसकी दृष्टि में साबुन लगाने की वाले की दृष्टि में मैल और कपड़ा स्वच्छ, ये मैले दिखते टाइम उसको दिखता है, मैला दिखते टाइम उसको ये दो चीज भिन्न है। ऐसे ही यहां पर लेना कि कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव के विवेकता से, ये विवेकता उसकी लौकिक चतुराई है, ये लौकिक ज्ञानी सांसारिक ज्ञानी है, ये कादव से के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, ये पुरुषार्थ क्या है, सबसे पहला पुरुषार्थ तो ये दोनों को भिन्न जानना है, ये है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, क्या हुआ आविर, वो कतक फल डाला तो उसका जो कीचड़ है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रहता है, ये किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। देखो
अज्ञानी क्या अनुभव करता है, मैला जल है, और जो लौकिक ज्ञानी है वो क्या कहता है, जल तो शुद्ध ही है, देखो निर्मल ही है जल तो, अनुभव करते। ये तो हुआ अभी दृष्टांत, अभी जो है चार पांच लाइन में दृष्टांत की बात की, अभी सिद्धांत में घटाएंगे। देखो इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से, प्रबल कर्मों के मिलने से, प्रबल कीचड़ कहा था इधर, प्रबल कर्मों से, प्रबल कर्मों से बने अनादि से चले। एक कर्म का अर्थ आठ कर्म नहीं लेना, वो गौण है, वो तो निमित्त रूप है। एक कर्मों का अर्थ है जीव के श्वासुभ भाव, राग द्वेष के भाव, और उसमें भी शुभ भाव। क्यों शुभ भाव, क्यों अशुभ भाव क्यों छोड़ दी, क्योंकि ग्यारहवीं गया था पढ़ने के वाले के अशुभ भाव रहे कहां, क्यों लेना अशुभ भाव। ग्यारहवीं बेचारा पहली गाथा से लेके तीन कलश पढ़ लिए, दस गाथा पढ़ के ग्यारहवीं गाथा में आया है, और फिर के पाप के परिणाम है उसके, कि है ही नहीं उसको। तो मुख्य रूप से शुभ भाव, देखो प्रबल कर्मों से के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव त्रोभूत हो गया है। त्रोभूत कैसे हो गया है, कि उसको ये शुभ भाव ही दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है, शुभ भाव दिखाई देता है कि शुभ भाव आत्मा दिखाई देता है। तो शुभ भाव आत्मा दिखाई देता है, तो आत्मा दिखाई नहीं देता, इसका नाम त्रोभाव है। आत्मा कहीं गया नहीं, जैसे वो मेला जल दिख रहा है तो वो जल स्वच्छ चला गया था कहीं, ऐसे ही ये आत्मा को स्वभाव कर्म सहित मानता है। तो क्या शुद्ध आत्मा की निर्मलता कहीं चली गई है, पर उसको नहीं देखने का नाम तिरोभाव है। जितेंद्र जी बहुत मार्मिक बात है, ये नहीं देखने का नाम तिरोभाव, क्योंकि आत्मा तो अभी आया था कि नहीं, प्रगट उद्योतमय है, नित्य उद्योतमय है, छठवीं गाथा में नित्य उद्योतमय, तो नित्य उद्योतमय है, तो वो तो उद्योत तो है, परंतु तेरे लिए क्यों नहीं, तू देखता नहीं है कि ये उद्योत है, ये आत्मा है, ये नहीं देखता है, तू तो देखता है, राग है, शुभ भाव है, ये आत्मा है, ये तो देखता है। तो उसके लिए नहीं दिखाई देने का नाम तिरोभाव है। नहीं दिखाई देने का भी कि और कुछ नहीं समझना, नहीं दिखाई देने का अर्थ तू नहीं देखता है, इसका नाम तिरोभाव है। क्योंकि देखने का काम भी कौन करने वाला है, भगवान तो देख चुके, ऐसे समझ में क्या कहा, तिरोभाव। तो देखो जिसका सहज एक ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, ज्ञान भाव ऐसा तिरोभूत हो गया है, ये कौन है, ये मिथ्या दृष्टि है। वहां पर लौकिक अज्ञानी ली, उदाहरण में लौकिक अज्ञानी था, यहां मिथ्या दृष्टि है, तिरोभाव हो गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक भेद ना करने वाले, बल्कि कर्म माने स्वाशुभ भाव इनको ही भेद नहीं करने वाले, माने इन्हीं को आत्मा जानने वाले। अरे समझ में, जरा देखो बहुत विषय बहुत मार्मिक है ये। शुद्ध आत्मा की देखने की कला क्या है, कि जैसे वो वस्त्र को धोए तो सफेद दिखता है, ये तो चर्म चक्षु का ज्ञान, ये तो नेत्र इंद्रिय का ज्ञान है। परंतु जो मैले वस्त्र में ही जो ये देखता है कि ये तो स्वभाव से शुद्ध है, ये ज्ञान चक्षु है, ये चर्म चक्षु नहीं है, ये समझ ली, ये ज्ञान चक्षु है, ये चर्म चक्षु दे तो जब सफेद होगा तब देखेगा। वह ज्ञान चक्षु के साथ फर्क क्या है, ज्ञान चक्षु और कर्म चक्षु, अगर ज्ञान चक्षु से नहीं दिखा है तो चर्म चक्षु से तीन काल में नहीं दिखेगा, वो तो मेला ही मेला देखेगा। जिसको ज्ञान चक्षु से शुद्ध दिखता है तब साबुन का प्रयोग होता है, तब उसके पुरुषार्थ जो आया ना, पुरुषार्थ पुरुष, तो वो पुरुषार्थ हो तो वो नेत्र चक्षु से भी स्वच्छ दिखने लगता है। पर जिसने अगर ज्ञान चक्षु से पहले नहीं देखा है, डॉक्टर
उसके कभी भी नेत्र चक्षु से वो सफेद नहीं दिखेगा, क्यों होगा ही नहीं पर्याय में वो ऐसा कभी। अरे समझ में देखो कितना गजब लिखा है, आत्मा और कर्म का विवेक। एक कर्म का अर्थ फिर आठ कर्म नहीं है, अध्यात्म में कर्म का नाम आठ कर्म है ही नहीं। कर्म का अर्थ है कार्य, कार्य का अर्थ परिणमन, परिणमन का अर्थ पर्याय। तो आत्मा का कार्य तो जैसा उसका स्वभाव ज्ञान दर्शन है वैसा ज्ञान दर्शन परिणमन, वो उसका परिणमन, वो नहीं हो तो अज्ञान रूप परिणमन, बस ये उसका कर्म है। आठ कर्म को तो, आठ कर्म को कर्म क्यों कहते हैं फिर? आठ आत्मा के कर्म ये, तो आठ कर्म को कर्म क्यों कहते हैं? कि जब ये विकार रूप परिणमन करता है तो ये आठ कर्म निमित्त होते हैं, इसलिए इन निमित्त को भी रूढ़ी से कर्म कहा जाता है। आठ कर्म आठमा का कर्म है ही नहीं, ये तो पुद्गल का कर्म है। पदम जी जैनी कोई सुने ये बात ये रोता ही रहे क्या है कि कर्म फलाना उदय से, फलाना मेरे उदय से। कर्म के उदय से मिली प्रतिकूलता का, ध्यान से सुनना जरा अशोक, ध्यान से सुनना। कर्म के उदय से मिली प्रतिकूलता का वेदन तो दुख रूप करता है, परंतु विकार की वेदना को कभी भी ये महसूस नहीं करता है। क्या कहा मनी, समझ में आया नहीं आया? देखो दोबारा, कर्म के उदय से मिली प्रतिकूलता में तो दुख का वेदन करता है, कर्म के उदय से मिली प्रतिकूलता में दुख का वेदन करता है, परंतु विकार से होने वाली ये मोराग द्वेष से होने वाली वेदना को कभी महसूस नहीं करता है, और वेदना तो विकार है। हा क्या है महिला जी वो क्या है? अभी दुखी क्यों है कि हमारे बहुत असाता का उदय, हमारे शरीर में बहुत रोग है, हमारे अभी निर्धनता बहुत है, पर ये दिखता है कि मेरे राग द्वेष के परिणाम तीव्र चल रहे, उनका नाम दुख है। जो उसको अभी तीव्र राग आदि में दुख नहीं लगता है तो उसको कब ये जगत में सुनने मिलेगा कि मंद कषाय में दुख है? कौन सुनाने वाला है जितेंद्र जी? मंद कषाय में अनंत दुख है। द्रव्यलिंगी की कितनी कषाय मंद की ता है, पर दुख क्या कितना है? सम्यक दृष्टि नारकी को अनंत दुख नहीं है, और ये द्रव्यलिंगी मुनि को अनंत दुख मंद कषाय में है। ये तो कोई ऐसे ज्ञानी जो ऐसे आचार्यों की शरण में आते हैं उनको ये रहस्य, ये अनादि काल का छुपा हुआ रहस्य ये पता चलता है कि दुख का कारण कौन है। ये सारा जगत मानता है प्रतिकूलता में दुख। तो क्या कहा कि कर्म से आई बात कि कर्म के उदय में मिली प्रतिकूलता, डॉक्टर उसमें तो मर गए, क्या हुआ? ये सारा लॉस हो गया, मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, फलाना हो गया, लड़का मर गया, ये मर हो गया, बहुत दुखी है। पर तू दुखी उसके मरने से नहीं है, तू तो तेरे उसके प्रति राग था उसके कारण था, वो कहां मरा है, इसलिए कभी दुख का नाश नहीं होगा। वो तो संयोग आए जाए कुछ भी हो, पर दुख का संबंध तो तेरे विभाव से है, प्रतिकूल संयोगों से नहीं है। कौन सुनाए इसको ये कथा? इसलिए 24 घंटे इसका पुरुषार्थ प्रतिकूल संयोगों को दूर करने में रहता है। विभाव को दूर करना है, ये विकल्प भी नहीं है, दूर कब होगा? ये दूर करना है विभाव, ये इसके एजेंडे में नहीं है, इसके टारगेट में नहीं है, इसके कर्तृत्व की लिस्ट में नहीं है इसका नाम। बोलो पदम जी है कि नहीं ईमानदारी से है? राग द्वेष का नाश, लेकिन कहां है? क्या राग द्वेष? और हम सब जगह बढ़िया जहां राग की पोषक भाषा हो, अच्छे मित्र मंडली मिले और प्रसन्न हो जाता है एकदम, बहुत बढ़िया, यही तो चाहते हैं ये।
आज गुरुदेव ने क्या कहा था, ये राग आग दहे सदाता ते समामृत, आज खत्म हो गया है छह डाला, आज छह डाला पूरी हो गई है, कल से स्टॉप देश चलेगा। पर वो जरा है खतरनाक, क्या कि उसके आधे प्रवचन हिंदी के है, किताबें पूरी गुजराती की है। अब आप जरा उपयोग को एक हफ्ते बिल्कुल लगा के, मैंने उपयोग कैसा कमलजी कैसा कि कान में तो हिंदी या गुजराती, आधे प्रवचन है गुजराती के आधे हिंदी के, तो वो पढ़ेंगे तो आप वो सुनते सुनते वो शब्द का मिलान करके पढ़ोगे तो 8 दिन में गुजराती सीख जाओगे। ये जितेंद्र जी कह रहे थे मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, गुजराती का प्रवचन हो कि हिंदी का प्रवचन हो, बताओ कैसे है? सुनो ना 8 दिन, बस घबराना नहीं, भगना नहीं, बागलीवाल जी से कहना नहीं अरे ये तो गुजराती का, वो सब कब होते हैं मैं चला जाता हूं तब उनके पीछे पड़ जाते हैं, अरे ये तो गुजराती है। इसलिए सुनना, अभी तो परसों सुना कि नहीं, सब सुना कि नहीं, उसको भगना नहीं, उसको समझना धैर्य से, और आएगा सब समझ में। गुजराती कोई बहुत कठिन भाषा थोड़ी है, 1-2-4 दिन की बात रहती है बस, आए समझ में। देखो हाँ दाव चूकने, हाँ ये दाव है, ये दाव मत चूके हो, ये दाव चूकने लायक नहीं है वास्तव में। जैसे बहुत सीजन आया हो तो पुरुष कैसे करते हैं कि अरे ये नहीं सहना, साल भर आराम से बैठेंगे, तो अभी जो महीने भर का सीजन है इसमें काम करना, वो तो साल भर बैठेगा, ये अनंत काल होएगा, इसको अनंत काल अनंत सुखी होगा ये सीजन में, अगर इसने ये जान लिया, ये मान लिया है जो कहना चाहते हैं, ऐसे समझ में। देखो आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले माने क्या, व्यवहार को ही निश्चय जानने वाले। अब व्यवहार के जितने विषय हैं उन सब को निश्चय का विषय माने आत्मा जानने वाले, सीधा अर्थ, बिल्कुल सरल अर्थ कि व्यवहार के विषय जितने बताए, अभी तक 4 विषय बताए थे, 4 नए के 4 विषय, असद्भूत के 2 जो सत्ता में नहीं है, असद्भूत के 2, एक पर संयोग एक शरीर, और सद्भूत के 2 विकारी पर्याय और निर्विकारी पर्याय। आज निर्विकारी पर्याय में एक और जोड़ दिया गुण भेद, तो ऐसे सब इनके विषय को आत्मा जानने वाले, इनको कहा व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता, विश्वरूपता माने शुभ और अशुभ भाव बहुत प्रकार के हैं, विश्वरूपता माने अनेक प्रकार के, विश्वरूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, जितने शुभाशुभ भाव हैं कि कौन है, पूजा करे तो कौन है, मैं पूजा करने वाला वो आदमी वो नहीं, ये पूजा का भाव ये मैं करता हूं, ये पूजा का भाव मैं हूं, यात्रा करे तो यात्रा करने के भाव वाला मैं हूं, यात्री नहीं, यात्री वो शरीर अलग बात हो जाएगी, वो असद्भूत व्यवहार में चला जाएगा, ये भाव वाला मैं हूं, दान देने वाला कि दानवीर मैं हूं, ये सब भावों को आत्मा के साथ एक में करता है। ये क्या अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते, ऐसे अनेक प्रकार से अपने आत्मा को मैं इतने प्रकार का हूं ऐसा अनुभवते हैं। किंतु अब देखो ये हुआ परमार्थ का अज्ञानी, अब परमार्थ के ज्ञानी की बात करते हैं। देखो किंतु भूतार्थ दर्शी, ये ज्ञानी भूतार्थ दर्शी शुद्ध न्याय को देखने वाले, अब देखो जो शुद्ध न्याय का देखने वाले का अर्थ क्या, 3 अर्थ बताए ना शुद्ध न्याय के पदम जी, तीनों याद रखना, ये इसमें कौन सा आएगा, दूसरा, बहुत बढ़िया, दूसरा आएगा शुद्ध न्याय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए, बुद्धि से डाले हुए माने
कैसे डाले हुए, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय से, भेद ज्ञान के द्वारा। और जब ये काम हो जाएगा तो उसको ही कहेंगे शुद्ध न। कौन सा वाला? पहले वाला, पहले वाला जो ज्ञान की पर्याय कहा था वो। अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध न के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न बोध हुआ। क्या बोध हुआ? कि जितना व्यवहार न का विषय है वो मैं नहीं हूं, मेरा आत्मा तो इससे भिन्न है। ऐसा बोध होने वाले उत्पन्न आत्म कर्म के, आत्म कर्म के, आत्मा के और कर्म के विवेकता से, क्या विवेकता है? कि आत्मा अलग है और ये शुभाशुभाव ये अलग है, ये विवेकता है। विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ क्या है कि इनको दोनों को भिन्न भिन्न जानना, ये जानने में ये पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत हुए। उससे क्या हुआ? ये पुरुषार्थ से आविर्भूत क्या हुआ कि उस ज्ञान की पर्याय के द्वारा ये शुद्ध आत्मा जानने में आता है। कैसा जानने में आया है? ये कर्म आत्मा नहीं है, ये कर्म आत्मा नहीं है, ये आत्मा जानने में आया, अनुभव में आया कि आविर्भूत हो गया। पहले कर्म को आत्मा मानता था तो तिरोभूत था, और कर्म से भिन्न आत्मा ये आविर्भूत हो गया। आविर्भूत का अर्थ है ये अनुभव में आ गया है, पहले अनुभव में नहीं आया था। अपने द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण क्या है? आत्मा। आत्मा कैसा है? राग वाला है कि ज्ञान वाला है? तो ऐसे ज्ञायक भावत्व के कारण, भावत्व के कारण माने भाव पने के कारण, पना माने स्वभाव, एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे माने आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है। उसमें क्या प्रकाशमान नहीं है कि उसमें, अब सुनना ध्यान से, उसमें संयोग प्रकाशमान नहीं है, उसमें शरीर प्रकाशमान नहीं है, उसमें राग प्रकाशमान नहीं है, उसमें गुण भेद प्रकाशमान नहीं है, इस सारा का सारा व्यवहार प्रकाशमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके विषय को छोड़कर आत्मा जाना था, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा उनको छोड़कर आत्मा की दृष्टि की थी, तो जो छोड़ दिए वो कैसे प्रकाश? समझ में? व्यवहार सारा का सारा छोड़ करके, व्यवहार ने अवतार्थ दर्शित है ना ये इसमें गाथा में, व्यवहार ने तीन जगह प्रयोग होता है, जैसे शुद्ध ने है ना, शुद्ध ने कभी तीन जगह कहा, ऐसे व्यवहार ने तीन है। समझ ली? कौन है व्यवहार ने? कि व्यवहार ने जिनको नहीं होता है ऐसे परमात्मा है, और व्यवहार ने जिनको होता है वो अंतरात्मा है, और व्यवहार ने का जिनको पक्ष होता है वो बहिरात्मा है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? दोबारा, नए नए जो है वो शुद्ध ज्ञान में होते हैं, केवल ज्ञान में नहीं होते हैं, क्योंकि नए में मुख्य गुण जब हो, जब एक बार एक जानने में आए तो हमको एक जानना है, दूसरे को गुण करना पड़ेगा। तो शुद्ध ज्ञान जो है वो छयोपशम ज्ञान है, उसमें एक बार में एक ग्रहण होता है, तो इनमें मुख्य गुण की व्यवस्था है, इसलिए नए शुद्ध ज्ञान में होते हैं। केवल ज्ञान में मुख्य गुण की जरूरत ही नहीं, वहां तो सकल प्रत्यक्ष है, ऐसा समझ में? इसलिए कहा कि व्यवहार से परमात्मा होते हैं, व्यवहार उनको लागू नहीं पड़ता है। हाँ, और व्यवहार जिनके होता है वो अंतरात्मा है। क्यों? कि अंतरात्मा होने पर ही व्यवहार का जन्म होता है, इसके पहले व्यवहार का जन्म नहीं होता, इसलिए व्यवहार होता है वो अंतरात्मा है। और जिनको व्यवहार का पक्ष होता है, व्यवहार का पक्ष माने ये व्यवहार ही निश्चय है, ये व्यवहार का पक्ष है, वो कौन है? बहिरात्मा। तो तीनों का व्यवहार है, पर शब्द तीनों के है, पर स्वरूप क्या तीनों के होने का? एक के पक्ष है, एक के होता है पर उपादेय नहीं होता है, और एक के तो सत्ता ही नहीं है,
निश्चय व्यवहार दोनों लागू नहीं पड़ते हैं, ऐसे समझ में। देखो जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं, शुद्ध आत्मा का ज्ञायक भाव अभेद भाव पर्याय से रहित विकार से रहित सबसे रहित ऐसा अनुभव करते हैं। अब देखो अभी क्या कहा था कि शुद्ध ने वो भेद ज्ञान कर किया था ना, पुरुषार्थ कहा था। अभी यहां क्या कहते हैं देखो, यहां शुद्ध ने कतक फल के स्थान पर है। कतक फल माने क्या, वो जो फिटकरी डाली ना, फिटकरी अलम वो डाली ना, तो वो क्या हो गया अलग। तो शुद्ध क्या हुआ कि वहीं पर शुभाशुभ भाव थे, पर ये शुद्ध नय ने उनको नहीं जाना, इसको जाना, वो हो गए अलग। वो अलग तो थे ही, पर इसकी दृष्टि में एक थे, तो दृष्टि में एक होने से ये उनको ही उनको आत्मा रूप से देखता था, तो ये तिरोभाव था। अब दोनों है, वो देखो बात की है ज्ञान से नयों से, और पर्याय ये नहीं कहा कि पहले सम्यक ज्ञान हुआ, पहले ए कहा कि ए सम्यक दृष्टि है। क्या गजब की बात है, देखो ज्ञान बात तो पुरुषार्थ तो ज्ञान से किया, फल ज्ञान में नहीं आता है, फल ज्ञान में नहीं आता है, फल तो श्रद्धा में आता है। जब श्रद्धा में फल आता है तो सारा ज्ञान निर्मल हो जाता है, उस पूरे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ये यहां तक वो शुद्ध नय से ये भी जाने ये भी जाने और इधर दृष्टि न लाए, तो वो ज्ञान दो को जानने वाला भेद ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। आए समझ में, क्या कहते हैं है? हाँ वो ये है, वो अलौकिक है। देखो प्रकरण ज्ञान से बात उठाई, नए की बात उठाई, पर ये नहीं कहा कि इनको सम्यक ज्ञान होगा, अभी केवल ज्ञान होने वाला है, ये कुछ नहीं है बात। ए ही निश्चय से सम्यक दृष्टि है, जो अपने आत्मा को ऐसे राग द्वेष मोह शुभ भाव एक कर्म इनसे भिन्न अपने को जानता है, वो कहते ओ सम्यक दृष्टि है। व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित, भूतार्थ आश्रित, भूतार्थ आश्रित माने भूतार्थ नए शुद्ध नए के विषय का लक्ष्य माने आश्रय करने वाला, ए निश्चय से सम्यक दृष्टि है। लेकिन गाथा के अर्थ में ही लिखा है वास्तव, कुंद कुंद आचार तो ओह गजब गजब है। देखो ग्यारहवीं गाथा देखो, वे ही वो सम्यक दृष्टि नहीं है। कौन सम्यक दृष्टि नहीं, जो राग से राग को और आत्मा को मिलाकर एक जानते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जब राग को आत्मा में मिलाने से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता है, तो ये बताओ कि राग करते करते आत्मा को कौन सा फल होने वाला है, विचार करो जरा। ये शुभ राग इस आत्मा को कितना फल देने वाला है। हाँ शुभ राग से इतना तो होगा कि जो कर्म बनेंगे उनमें उनके उदय में आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सुखी हूं, ये लगेगा होगा नहीं किंचित भी, बल्कि उस पुण्य के उदय में भ्रम बढ़ता जाएगा कि इनमें भी कुछ सुख है, इनमें भी कुछ सुख है। एक बात और है, बहुत कड़क है, जरा आप ध्यान से सुनो इन्हें जी। ये पुण्य का उदय इस मनुष्य भव में, इस मनुष्य भव में मिले आत्म कल्याण के लिए जो समय है, ये पुण्य का उदय उसको खा जाता है। दोबारा बोलता हूं डॉक्टर, पुण्य का उदय इस मनुष्य भव में मिले आत्म कल्याण के अवसर का जो समय है उसको खा जाता है, क्योंकि ये पुण्य के उदय में डूबता है। ये समय खा गया है पुण्य का उदय, और इसे लगता है कि मैं तो पुण्यात्मा हूं। ये पुण्यात्मा अपने को मानने वाला सबसे बड़ा पापात्मा है।
ऐसा लगे ये कौन सी भाषा है, है? सुना कभी मांगीलाल जी, पुण्य बहुत आ जाए उदय में तो, अरे हम देखो तो बहुत इनसे तो ऊंचे हैं। देखो देखो हमारे पुण्य का उदय इसका अर्थ है ना, पहले हमने पुण्य के परिणाम किए हैं। पर तू अपने आप को ये आत्मा के विरोध करने वाले परिणामों से अपने आप को महान मानता है, ये तेरे अभी महान दुख संकट निकट है ना। कौन सी गाथा है? प्रवचन सार की गाथा है ना, महादुख संकट निकट है, वो 75-76 के आसपास की गाथा है ये। देखो पुण्य के उदय वाले को महादुख संकट निकट है, ये समझता है कि मेरे सुख आ निकट है, कि ये दुख संकट को निकट मानने वाला है और माने सुख होने वाला है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और काय का नाम मिथ्या दर्शन है? कभी ये विचार किया? अब ये लिख लेना अपने ज्ञान में कि ये जब जब भी पुण्य का उदय ऐसा लगता है कि बहुत आ रहा है तो समझना, और हमारा मन उसमें लग रहा है तो ये हमारे इस मनुष्य भव में आत्म कल्याण के लिए, आत्म अनुभव के लिए जो मिला अवसर है उसको खाने वाला है ये पुण्य का उदय। कोई सोच सकता है? सौरव जी समझ में आया? ए अभी कोई पुण्य का उदय छोड़ना फोड़ना एक कुछ बात नहीं है, हाल तो दृष्टि में है कि ये किसी काम का नहीं है एक कोई क्योंकि उदय कोई किसी का बदलता नहीं है। ये जितना उदय आना होगा वो तो आएगा, पर तुम्हारा उदय रोकने का काम नहीं है। कहीं उदय को रोकने की कोशिश की तो अभी तक तो रागादि भावों के कर्ता मान के मिथ्या दर्शन का पोषण करते थे, अब परद्रव्य का कर्ता मान करके मिथ्यात्व का पोषण करो कि मैं रोक दूं इसको, मैं रोक दूं इसको, पुण्य का उदय को रोक दूं फिर बच जाएगा। पुण्य का उदय अपन रोक दो तो बच जाए। ऐसे बेंगलोर में एक ने प्रश्न किया था, बेंगलोर ने प्रश्न किया, उसे ऐसी बात हुई ये पुण्य पाप के उदय की पदम जी, तो वो कह वो घबरा गए एकदम से, पुण्य का उदय जो है ये अपन भोग लगते तो ये तो सारा ये नाश हो जाएगा और ये तो सब पाप बन जाएगा, तो घबरा गए एकदम से। तो कहने लगे कि वो अब हम नई कार नहीं खरीदें तो पाप से बच जाएंगे कि नहीं? मैं कहा नहीं बचोगे कि इतना पुण्य का उदय तो हमारा खर्च नहीं होगा कि नहीं, कि वो नहीं हो, वो उससे नहीं बच सकते। बोले कैसे नहीं बच सकते? उसके खरीदने की सामर्थ तो उतना बैंक बैलेंस तुम्हें है कि नहीं? वो तो है, तो इतना पुण्य का उदय तो आ गया है तो कि अब कार नहीं खरीदे उससे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा फायदा? फायदा होगा, फायदा होगा कि नए पाप से बचोगे, पर तुम पुराने पुण्य का उदय रोक दो ये नहीं कर सकते हो तुम। नहीं आया समझ में अभी? तो उनका प्रश्न क्या था बताया कि एकदम भोग से पाप, और पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा, पुण्य भी खर्च हो जाएगा क्योंकि उदय आ गया। तो कि अब हम कार नहीं खरीदते तो हम अब उदय उस पुण्य के उदय को संभाल के रख लेंगे ना, वो उसको नहीं पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी प्रिजर्व रहेगा। तो वो प्रिजर्व नहीं रहेगा, उसका उदय तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो आ गया है, तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, पुण्य का उदय तो आ गया, पर कार नहीं खरीदने से वो तो नहीं रुकेगा पुण्य का उदय तो, पर तुम आगामी पाप से बच जाओगे। कब? कब बचोगे? वो बैंक बैलेंस कि ये भोग का पाप नहीं होगा तो बैंक में पड़ा रहेगा, तो परिग्रह का पाप होगा, पाप तो होगा, परिग्रह का पाप होगा, तो क्या करना कि तुरंत उसको कहीं पर गुप्त रूप से नहीं, गुप्त चेक से बराबर देना दान, तो तुम्हारे राग खत्म हो जाएगा उसका। हैं? हाँ नहीं है पुण्य, नहीं है, नहीं है पुण्य। हाँ उससे क्या होता है? हाँ हाँ पाप नहीं, नहीं है, नहीं है, समझ में आया? अरे ये जैन धर्म में मिला और हम ये पुण्य और पाप के परिणामों का ही नहीं स्वरूप समझ पाए तो आत्मा का स्वरूप कब समझेंगे? कमल जी पुण्य पाप के ही परिणाम को नहीं समझे कि क्या है इनका स्वरूप, यही नहीं समझे, कितनी गजब बात है। ये पुण्य का उदय जो हमें अंदर से पसंद है, पुण्य का उदय अंदर से पसंद है, वो कौन विचार करता है इस काल में
कि ये पुण्य का उदय हमारे इस मनुष्य भव में जो आत्म कल्याण के लिए काल मिला, समय मिला है, इसको खाने वाला है, इसको चर जाएगा, ये इस समय को चर जाएगा पुण्य। ये खरीदो, ये लाओ, ये नया करो, ये बहुत हो गया, नया मकान बनाओ, बढ़िया मकान, नया मकान बनाओ। ये क्या किया, ये खा गया है ये। इसलिए ज्ञानी बहुत, ये जैनी बहुत होशियार, जगत में जितने होशियार लोग हैं वो सब जैनी है। और ये नहीं समझना जैनी गरीब है कि नहीं, उनको ज्यादा चाहिए नहीं, कम है नहीं। इसका नाम ऊंचे पुण्य का उदय, बहुत ज्यादा हो जाए तो पाप का उदय समझना, क्योंकि उसको संभालने में उतना वक्त जाता है तो पाप में जाता है। कम ना हो तो विकल्प नहीं है बहुत ज्यादा, अपने सामान्य हो तो न बहुत पाप, और सीधा न कमाने का ज्यादा, तो अपना बचा जो समय है उखाए में लगाएगा, इसमें लगाए। इसलिए महाभाग्यशाली तो जैनी होते हैं, और कोई भले नहीं हो, पैसा उससे क्या है, सब बीमारी का सब बीमारी का इलाज ये है। देखो है? इसलिए खो नहीं देता है मनुष्य भव में जो आत्म कल्याण शब्द देखा करो, आत्म कल्याण के लिए जो समय मिला है उस समय को खा जाता है पुण्य का उदय, चला जाता है। जो ऐसा है, एक सामान्य बात है, ये सामान्य बात है। चक्रवर्ती के तो इतना पुण्य का उदय है, उसके निरंतर भेद ज्ञान चलता है, तो उसमें क्या है, सामान्य बात की जाती है, जनरली सामान्य बात की जाती है, अज्ञानी की नहीं, सामान्य बात, सामान्य बात के ऐसा सामान्य रूप से होता है ऐसा है। और क्या सम्यक दृष्टि भी, भले अभी उसको आत्मज्ञान हो गया है, तब भी उसके इस तरह के पाप के विकल्प बहुत आते हैं, सुख बुद्धि के बिना भी आते हैं, उसको भी उपदेश है ये। पर वो उसकी बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उसका समय कौन खाएगा ये पुण्य का उदय, अगर वो सम्यक दर्शन होने के बाद अगर चारित्र में आरोहण का पुरुषार्थ न करे तो उसके लिए भी सारा पाप बंधने वाला है, ऐसा समझ। बिल्कुल कोई छूट थोड़ी है, ये छूट थोड़ी है, ये तो जैन का सिद्धांत है, ये महासिद्धांत है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझना कि सबसे पहले इनका स्वरूप कि पुण्य के उदय में और पुण्य के परिणाम में बहुत हर्षित होने की जरूरत नहीं है, और पाप के परिणाम में और पाप के उदय में रोने की जरूरत नहीं है, तो क्या करने की जरूरत है, ये दोनों से भेद ज्ञान करके अपना स्वभाव देखने की जरूरत है, ये करने लायक है। अशोक कभी सुना ही नहीं होगा ये जितेंद्र जी, नहीं होना, नहीं होना। ये पुण्य का परिणाम इस जीव को बहुत रुलाने वाला है, क्योंकि ये जो सुख सागर है, ये सुख मेड़ आत्मा है, इसको छोड़ करके गुरुदेव तो वो सेठ लोगों को तो क्या कहते थे पता है, वो इनके इतने लाख है, इतने करोड़ है, इतने फलाना है, वो कहते थे कि ये तुमने जो संपत्ति, ये वैभव जो वो मानते हैं, ऐसा वैभव ये अपनी स्वरूप की विराधना कर करके जो शुभ भाव किया है उसका फल है। ये नहीं कहा कि तुमने भगवान की पूजा कर करके कहा, ये कहा कि अपने स्वरूप की विराधना कर करके इकट्ठा किया है ये। क्यों कि अगर वो भगवान की आराधना करके ये बता दें तो वो तो और जोर से लग जाएगा भगवान की आराधना करने में कि अच्छा इससे मिलता है, चलो और करते हैं ये अच्छा हाँ अपन उस दिन तो वो नहीं देख पाए थे, वो गुरुदेव का जो भक्ति थी ना वो स्पष्ट नहीं। यहाँ अभी वो देवेंद्र जी बिजोलिया ने उसका सिर्फ ऑडियो जो अपन देखने वाले थे ना, वहां सिर्फ 3 मिनट का था, 1 मिनट ही देख पाए थे, तो उसका सिर्फ ऑडियो बहुत क्लियर है, वो डाला है, वो डाला है वीतरागवाणी पर। जितेंद्र जी देखा कि नहीं, डर पुण्य से भी उतना ही डर, ये कहना है वहां
देखो देखो, एक भी वचन श्रीमद ने कहा ज्ञानी के एक वचन में अनंत आगम है। अनंत आगम तो द्वादशांग रूप है। अरे द्वादशांग रूप आनंद तो वाणी का है, वाणी का है। वस्तु स्वरूप रूप आगम तो अनंत है, ऐसे समझ में जितेन जी। देखो है रौद जान, रौद देखो देखो देखो, कथनचित घटता है पर सर्वथा नहीं घटता है, क्योंकि शुभ और अशुभ परिणाम सभी आर्त और रौद्र ध्यान नहीं है। ध्यान से सुनना ये बात, ये नहीं हो सकती है। सभी शुभ परिणाम के अशुभ परिणाम आर्त रौद्र ध्यान नहीं है। भगवान ने उनके चार चार भेद कहे, उसके योग्य परिणाम होंगे तब आर्त रौद्र ध्यान होगा, और अगर उस चार जाति के परिणाम नहीं है तो सामान्य पुण्य और पाप के परिणाम है। हर पुण्य पाप का परिणाम आर्त रौद्र ध्यान नहीं है। वो चार चार कहे ना तभी आर्त रौद्र ध्यान। क्यों ऐसा कैसे कहा? क्योंकि ध्यान तो सिर्फ अंतर्मूर्त होता है, इसके बाद ध्यान संज्ञा लागू नहीं पड़ती है, ऐसे समझ में। अरे केवली भगवान को वो तेरहवें गुण स्थान में या चौदहवें गुण स्थान में जो चौथा पाया होता है शुक्ल ध्यान का, पांच अक्षर के बराबर के समय में पूरे टाइम नहीं है, ऐसे समझ में। और जो दो पहले पाए बारहवें गुण स्थान में होते हैं शुक्ल ध्यान के, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क अविचार, ये दोनों भी पूरे, जो कि छोटा समय है बारहवां गुणस्थान का, बहुत कम समय, उसमें पूरे टाइम नहीं है वो, तो बीच के भाव में क्या है, वितरागता है। और आठवें गुणस्थान में से जो व्यवहार से कहने लगते हैं वो टाइम क्या है, ग्यारहवें गुणस्थान में एक होता है वो, तो शुरू में होता है, तो बाकी के ग्यारहवें गुणस्थान के काल में क्या होता है, कौन से परिणाम है, वितरागता के परिणाम। ऐसे नीचे के गुणस्थान में वो शुभ भाव अशुभ भाव के परिणाम है, ऐसा है। माने वो चार जाति के परिणाम होंगे तो उनमें आता है, तो बिल्कुल आर्द्रोध्यान है, आर्द्रोध्यान है। परिग्रह देख देख कर खुश होता है, अंदर से बहुत बढ़िया हुआ, बोले नहीं कोई से, अंदर से खुश है, आर्द्रोध्र ध्यान है, नरक गति का कारण है। मेरे बहुत अच्छा हुआ, मेरे इतने इतने जेवर तैयार, मेरे इतने कपड़े तैयार, मेरे इतने मकान तैयार, मेरे इतनी गाड़ी, अंदर से खुश होए, ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है, नरक गति का कारण है, त्रियंच गति का नहीं है। अब बोलो अपने अपने परिणाम देखो, हाँ ऐसा है। देखो अवलोकन करते हैं वे सम्यक दृष्टि। अब देखो दूसरे, दूसरे माने कौन, लिखा है जिनेजी क्या लिखा है, दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं। अशुद्ध नय का माने व्यवहार नय का आश्रय लेते हैं। यहां अभी मुख्य रूप से बात करना है कि जो शुभ भाव को ही अपना स्वरूप समझते हैं, इसका नाम आश्रय लेते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है। लो और क्या लिखे अमृत चंद्राचार्य, वे सम्यक दृष्टि है और ये सम्यक दृष्टि नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को कर्म से भिन्न माने राग द्वेष वासुभ भाव, इससे भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। माने अनुसरण करने योग नहीं है, माने व्यवहार ने का विषय ये अनुसरण करने, ये राग मेरा स्वरूप है, ये शरीर मेरा स्वरूप है, ये कर्म मेरा स्वरूप है, ये गुण गुणी का भेद मेरा स्वरूप है, अनुसरण करने योग नहीं है। ऐसा इस गाथा में अमृत चंद्राचार्य भगवान ने बहुत सूक्ष्मता भरी है, विचार इसके बहुत बहुत है, गहराई बहुत है। थोड़ा अपन इसकी बाद में बाबा की बात करेंगे। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि जिन वाणी मा शत शत वंदन हे में जग का सा